गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आज होने वाली जो प्रतियोगिता है उसके लिए आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी। जिस बच्चे ने सबसे अच्छी तैयारी की है वह अवश्य ही अव्वल आएगा। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे इस लाइव प्रतियोगिता को जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके माध्यम से, जैसे कि वह फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि वे बच्चे भी जुड़ सके जिनको अब तक इस प्रतियोगिता के बारे में नहीं पता है। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वे एक बार लाइक भी कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अपने चैनल के जल्द ही 17,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो वो आज ही पूरे हो जाने चाहिए। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी जो रामायण क्विज है उसके कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक आंसर शीट बना लेंगे। मैंने आपको डेमो क्लास में भी बताया था, अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ये देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर एक नाम, अपना नाम लिख लेंगे, फादर नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और नीचे ऐसे आंसर लिखने के लिए 1 to 30 तक काउंटिंग लिख देंगे, क्योंकि हम हमारी जो प्रतियोगिता है उसमें 30 तक ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसे 30 तक ही क्या करेंगे, काउंटिंग लिख लेंगे। और जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो आप फर्स्ट के सामने लिख देंगे, सेकंड का जो आएगा वो सेकंड के सामने लिख देंगे, थर्ड का जो आएगा वो थर्ड के सामने लिख देंगे। तो इस तरह की आप एक आंसर शीट तैयार कर ले, अगर जिस बच्चे ने नहीं की है वो कर ले अभी, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने के बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त होगी 30 क्वेश्चन पूरे होते ही आप अपने आंसर शीट का फोटो क्लिक करेंगे और अपने क्लास के ग्रुप में ही सेंड करेंगे। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, आप अपने आंसर का फोटो अपनी क्लास के ग्रुप में ही सेंड करेंगे, ना तो आप किसी टीचर के पास सेंड करेंगे और ना ही दूसरी क्लास में सेंड करेंगे, किसी अन्य क्लास में, जिस क्लास में आप है आप उसी ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जब तक कुछ और बच्चे जुड़ते हैं तब तक हम थोड़े से जो अपनी प्रतियोगिता है उसके कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। प्रतियोगिता में 30 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2 अंक का होगा, यानी कि आपकी प्रतियोगिता 60 अंक की होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे जिनमें से एक ही विकल्प सही होगा। सही विकल्प का चुनाव करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, एक समय में एक ही प्रश्न और उसके 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जैसा कि आपने डेमो क्लास, डेमो जो वीडियो था अपना उसमें देखा था। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का निर्धारित समय दिया जाएगा। जो उत्तर कॉपी में लिखें उनमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए, अगर कटिंग मिलती है तो उसका अंक नहीं मिलेगा, चाहे आपने आंसर ठीक ही क्यों ना लिख रखा हो। ठीक है, कटिंग देखते ही उसका कोई आंसर, कोई अंक नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त होगी 2 मिनट के अंदर ही अपने उत्तर की जो कॉपी है उसका फोटो खींचेंगे और अपनी अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजेंगे। ग्रुप के अलावा अगर आपने कहीं और भेजा तो आपके उत्तर मान्य नहीं होंगे, ये बात आप अच्छे से समझ लें, कहीं आप बाद में ये ना कहें कि सर हमने तो उत्तर भेज दिए थे, लेकिन उत्तर भेजने कहाँ है, उत्तर भेजने हैं अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपका जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है वो प्रतियोगिता समाप्त होते ही उसकी सेटिंग बदल दी जाएगी, 2 मिनट के लिए सेटिंग सबके लिए ओपन कर दी जाएगी, जिससे कि सभी बच्चे उसके अंदर मैसेज कर सकेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही खोला जाएगा ग्रुप, 2 मिनट के तुरंत बाद ही
ग्रुप को दोबारा से प्राइवेसी लगा दी जाएगी और जिससे कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपने अच्छे से समझ ली होंगे। तो अभी आप सभी रेडी हो जाइए, अपने कॉपी पेन ले लें साथ में और मोबाइल की आवाज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लें। साथ साथ मैं बोलता रहूँगा और आप देखते भी रहेंगे। अगर किसी के मोबाइल में को क्लियरिटी नहीं आ रही है तो एक ऑप्शन होता है सेटिंग का, सामने आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन पर, वहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। 360 की क्वालिटी में अच्छी वीडियो नज़र आएगी या 480 में और अच्छी आएगी, तो आप वहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे आ चुके हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रतियोगिता। और अपनी इस रामायण क्विज के प्रतियोगिता का फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने होगा स्क्रीन पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सभी रेडी हैं? तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि प्रासर और महर्षि वशिष्ठ। 15 सेकंड का टाइमर आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। जैसे ही 15 सेकंड समाप्त होंगे अगला क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएगा और आपने आंसर देना है सिर्फ इन 15 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में आपने लिख लिया होगा, टाइम अप एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण में श्लोकों की कुल कितनी संख्या है? 22,000, बी 24,000, 26,000, 1,00,000। तो सोच के अच्छे से सोच समझ के लिखना है और उत्तर में कोई भी कटिंग नहीं करेगा। अगर कटिंग करता है तो वो उत्तर मान्य नहीं होगा, ये आप ध्यान से सुन लें। ठीक है, रामायण में श्लोकों की कुल संख्या। टाइम अप एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है धरती, मीठा जल, सीताफल, हल की नोक। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सोच समझ कर ही आंसर देना है। सीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? धरती, मीठा जल, सीताफल, हल की नोक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, राजा दशरथ की कौन सी रानी के दो पुत्र थे? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और सुभद्रा। टाइम स्टार्ट होता है, राजा दशरथ की कौन सी रानी के दो पुत्र थे? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सुभद्रा। बड़ा आराम से सोच समझ कर ही आंसर लिखना है, आपको पता है। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नियों के नाम बताइए। ए ऑप्शन सीता उर्मिला मांडवी कैकेयी, बी ऑप्शन सीता उर्मिला सुमित्रा सुभद्रा, सी ऑप्शन सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकृति और डी ऑप्शन सीता उर्मिला मांडवी सुमित्रा। टाइम स्टार्ट होता है आपका, 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सोच समझ कर ही उत्तर देना है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नियों के नाम क्रम वाइज में लिखे हुए होने चाहिए, आगे पीछे वाले मान्य नहीं होंगे। ठीक है, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई थी? विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण के गुरु थे उन्होंने उनको कौन सी विद्या सिखाई थी? बला अति बला, छापा मार विद्या, धनुर्धर विद्या, युद्ध विद्या। टाइम स्टार्ट होता है आपका, 15 सेकंड का। अब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देंगे बिल्कुल आराम से। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महाराज दशरथ के महामंत्री कौन थे? अक्षय कुमार, सुमंत्र, सुसेन और विराट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महाराज दशरथ के महामंत्री कौन थे? अक्षय कुमार, सुमंत्र, सुसेन, विराट। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम बहुत ही कम है, तो सोच समझ के आंसर देंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीता के माता पिता का क्या नाम है? राजा जनक व जानकी, जनक व सुनयना, जनक व सुमित्रा, जनक व सुलोचना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, सीता के माता पिता का क्या नाम है? सीता के माता पिता का नाम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और टाइम अभी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरी किसका शिष्या थी? सबरी किसकी शिष्या थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने, मतंग ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, विशिष्ट ऋषि। टाइम आपका स्टार्ट होता है, सबरी किसकी शिष्या थी? मतंग ऋषि की, गौतम ऋषि की, अत्रि ऋषि की, या फिर विशिष्ट ऋषि की? बिल्कुल सोच समझकर जवाब देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देखिए, सीता को रावण उठाकर ले गया, यह समाचार किसने श्री राम को दिया था? बाली ने, संपाति ने, सुग्रीव ने, जटायु ने? बताइए किसने दिया था? सीता को रावण उठाकर ले गया, यह समाचार किसने श्री राम को दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है और सही ऑप्शन आप अपनी बुक में लिखेंगे। चलिए टाइम समाप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, श्री राम ने अपनी पहचान के लिए हनुमान को क्या दिया था? श्री राम ने अपनी पहचान के लिए चूड़ामणि दी थी, या फिर अंगूठी दी थी, या फिर गले का हार दिया था, या फिर कड़ा दिया था? तो आप बताइए इन चारों में से क्या आंसर है। टाइम आपका समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करें और आराम से बिना कटिंग के ही आंसर लिखेंगे। श्री राम ने अपनी पहचान के लिए हनुमान को क्या दिया था? टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, समुद्र पर बनाए गए पुल को किस नाम से जाना जाता है? राम सेतु, नल सेतु, हनुमान सेतु, लंका सेतु? 15 सेकंड का टाइम है। समुद्र पर बनाए गए पुल को किस नाम से जाना जाता है? राम सेतु, नल सेतु, हनुमान सेतु, लंका सेतु? जल्दी बताइए, टाइम खत्म होता जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लंका में हनुमान को बांधकर रावण के सामने कौन ले गया था? कौन ले गया था भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, विभीषण? कौन लेके गया था? 15 सेकंड का टाइम है। लंका में हनुमान को बांधकर रावण के सामने कौन ले गया था? मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, विभीषण? बताइए, टाइम समाप्त हो रहा है, जल्दी करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन। टाइम अप, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति के बारे में किसने ज्ञान करवाया, किसने ज्ञात करवाया था? जामवंत ने, बाली ने, नल ने, संपाति ने? बताइए किसने करवाया था? 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति के बारे में ज्ञान किसने करवाया था? किसने ज्ञान करवाया था हनुमान की खोई शक्ति के बारे में हनुमान को? चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से एक ऑप्शन है सही, तो इसका होता है टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, रावण ने सीता को बंदी बनाकर लंका में कहाँ रखा? कहाँ रखा था? अपने अंतपुरम में, पुष्क वन में, या फिर अशोक वाटिका में, या फिर पंचवटी में? 15 सेकंड का टाइम आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, आराम से सोच समझकर आंसर देना है। रावण ने सीता को बंदी बनाकर लंका में कहाँ रखा था? और इस क्वेश्चन के लिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी करें, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? ऑप्शन ए परशुराम, ऑप्शन
ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वशिष्ठ। 15 सेकेंड का टाइम आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? और टाइम अप होता है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। सीता के अतिरिक्त राजा जनक की दूसरी पुत्री का नाम बताइए। उर्मिला, मांडवी, सुमित्रा, श्रुतकृति। 15 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सीता के अतिरिक्त राजा जनक की दूसरी पुत्री का नाम बताइए। उर्मिला, मांडवी, सुमित्रा, श्रुतकृत। और टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सीता जी की मृत्यु कैसे हुई? सीता जी की मृत्यु कैसे हुई? धरती में समाने से, गंगा में डूबने से, बीमार होने से, या फिर बाण लगने से? बताइए सीता की मृत्यु कैसे हुई? चार ऑप्शन आपके सामने, जिनमें से एक ही ऑप्शन है सही, बाकी है सारे गलत। तो सही ऑप्शन आप अपनी कॉपी में लिखें, जल्दी करें, टाइम समाप्त होता जा रहा है। और इस क्वेश्चन का टाइम समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। पंचवटी में प्रवेश करते समय श्री राम, लक्ष्मण व सीता के साथ और कौन था? हनुमान, जटायु, सुग्रीव या फिर जांबवान। 15 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आंसर दें। पंचवटी में प्रवेश करते समय श्री राम, लक्ष्मण व सीता के साथ कौन था? कौन था? इस क्वेश्चन का टाइम अप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? अवधी रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण या फिर अध्यात्म रामायण। 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। क्वेश्चन का टाइम समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी किस पर्वत को औषधि सहित ही उठा लाए थे? कौन सा पर्वत था वो? नीलगिरी, द्रोणगिरी, विंध्याचल, हिमालय। बताइए कौन सा पर्वत था? लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी किस पर्वत को औषधि के साथ ही उठा लाए? नीलगिरी, द्रोणगिरी, विंध्याचल, हिमाचल, हिमालय। बताइए। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन देखिए। कैकेयी की उस दासी का क्या नाम था जिसने कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था? कौन थी वो? देविका या फिर सुजाता या फिर मंथरा या फिर साहसिनी? कौन थी बताइए। 15 सेकंड का ही टाइम है। कैकेयी की उस दासी का नाम बताना है जिसने कैकेयी को राम के को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था। इस क्वेश्चन का टाइम अप होने वाला है, जल्दी करें। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर देखिए सामने। जिस विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका क्या नाम था? गरुड़ या फिर पुषक या फिर सौभ या फिर नीलकुंज? जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। जिस विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका क्या नाम था? क्वेश्चन का टाइम होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने देखिए। लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम बताना है जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे। मातली, विश्रवा, सुसेन, रभ्य। टाइम स्टार्ट होता है 15 सेकंड का।
लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम बताना है जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से ही उठा लाए थे। बताइए, टाइम समाप्त होने वाला है, जल्दी करें। और इसका टाइम समाप्त हो चुका है क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? जो सरयू नदी थी रामायण कालीन, उसको अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? यमुना, घाघर, गोमती या फिर गंगा? बताइए, 15 सेकंड का ही समय आपके सामने है। सरयू नदी जो थी वर्तमान में, अब उसको क्या कहते हैं? यमुना, घाघर, गोमती, गंगा? जल्दी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए टाइम अप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। देखिए क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ की कितनी पत्नियां और कितने पुत्र थे? एक पत्नी और दो पुत्र, या फिर तीन पत्नियां और 8 पुत्र, 7 पत्नियां और 4 पुत्र, 3 पत्नियां और 4 पुत्र? बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइमर चल रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ की कितनी पत्नियां और कितने पुत्र थे? जल्दी से बताइए, समय समाप्त होते जा रहा है, जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? कौन आया था भाई? सुबाहु, या फिर मारीच, या फिर कालनेमी, या फिर रावण? कौन आया था? टाइम स्टार्ट हो चुका है। सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही एक ऑप्शन सही है, और सही ऑप्शन चुन के आप अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। टाइम अप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? उसका क्या नाम है? ए चौपाई, बी सोरठा, सी सवैया और डी अनुष्टुप्त। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। वाल्मीकि के जो रामायण की रचना है वो किस छंद में हुई है, ये आपको बताना है। टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? क्या नाम है भाई? द्वापर युग, या फिर त्रेता युग, या फिर सतयुग, या फिर कलयुग? 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? रामायण किस युग से संबंधित है? जल्दी बताइए, टाइम अप होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का टाइम अप, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम बताइए। अंगद हनुमान, सुग्रीव अंगद, केसरी सुशेषण, या फिर नल नील? जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट ही क्वेश्चन है प्रतियोगिता का, बड़े आराम से उत्तर देना है, कोई गलती नहीं करनी है। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। टाइम अप हो चुका है, ठीक है। तो ये थे अपनी प्रतियोगिता के 30 क्वेश्चन। अब टाइम शुरू होता है, 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट के इस टाइम के अंदर अंदर आप अपने फोटो खींचेंगे उत्तरों के, और अपने अपने क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। और 2 मिनट का टाइम अभी स्टार्ट होता है अभी, ठीक है। तो ध्यान से करना है, 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फोटो खींचें, और फोटो भी साफ खींचना है। फोटो साफ खींचेंगे तभी तो आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर समझ नहीं आएगा तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा। तो फोटो साफ खींचना है ताकि सभी टीचर को समझ में आ जाए। आराम से फोटो खींचें, और 2 मिनट का टाइम बहुत टाइम है, आसानी से आप सेंड कर सकते हैं। और अपने अपने क्लास के ग्रुप में ही सेंड करना है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अपने अपने क्लास के ग्रुप में ही सेंड करना है। अगर आपने किसी टीचर के पास सेंड किया है तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो कृपया अपनी अपनी क्लास के ग्रुप में ही सेंड करें। और प्रतियोगिता का रिजल्ट कल ही अनाउंस कर दिया जाएगा। जो बच्चे अव्वल आएंगे उनको जैसे ही स्कूल खुलेगा, ओपन होगा, पहले दिन ही उनको इनाम वितरित कर दिए जाएंगे। अव्वल आने वाले बच्चों को अच्छे अच्छे इनाम दिए जाएंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपको 2 दिन बाद ही व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से अपना फ़ोटो क्लिक कीजिए और अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। जल्दी करें, बस टाइम अप होने वाला है। जैसे ही 00 टाइम हो जाएगा उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप की प्राइवेसी चेंज हो जाएगी। तो जल्दी करें और साफ फ़ोटो ही भेजें, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो अब आप ग्रुप की प्राइवेसी चेंज हो चुकी है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते,